खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। 31 मई को अमित शाह देश के गृहमंत्री बने थे और गृहमंत्री बनने के बाद आज वो पहली बार जब दिल्ली से बाहर निकले तो अपने इस पहले दौरे के लिए कश्मीर को चुना। 2 दिनों के दौरे पर वो कश्मीर में है, ये बताता है कि अमित शाह की प्राथमिकताओं में कश्मीर टॉप पर है। कश्मीर में हालात ठीक नहीं है, राज्य में कोई सरकार अभी नहीं है, पुलवामा हमले के बाद चुनौतियां बढ़ी है और अब अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है और इसीलिए बतौर गृहमंत्री अमित शाह के लिए कश्मीर के हालात सुधारना बहुत बहुत बड़ा काम है। कश्मीर पहुंचे अमित शाह पर हमारी अगली रिपोर्ट आप देखिए, उससे पहले ये 5 हेडलाइंस देख लीजिए। 2 दिन के लिए कश्मीर पहुंचे हैं अमित शाह। शपथ लेने के बाद पहले दौरे के लिए शाह ने कश्मीर को चुना है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने प्रोटोकॉल तोड़कर अमित शाह को रिसीव किया, खुद एयरपोर्ट पहुंचे। अमित शाह ने श्रीनगर में प्रशासन और सुरक्षा बलों के सीनियर अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग की है। राज्य में सुरक्षा के हालात पर चर्चा हुई है। अधिकारियों ने अमित शाह को आतंकवाद के खात्मे के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। पुलवामा जैसे हमले रोकने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। गृहमंत्री ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर भी चर्चा की। 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली से करीब 2:45 बजे कश्मीर के लिए रवाना हुए। उन्हें कश्मीर ले जाने के लिए बीएसएफ का विमान पहले से ही दिल्ली एयरपोर्ट पर तैयार खड़ा था। करीब 3:15 बजे यानी 1.5 घंटे की हवाई यात्रा के बाद अमित शाह श्रीनगर में उतरे। आमतौर पर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल तभी एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए आते हैं जब प्रधानमंत्री कश्मीर का दौरा करते हैं। आज राज्यपाल सत्यपाल मलिक सारे प्रोटोकॉल तोड़कर खुद गृहमंत्री अमित शाह के स्वागत के लिए मौजूद थे। एयरपोर्ट पर पहले अमित शाह दूसरे अधिकारियों से मिले और बाद में राज्यपाल से। दोनों को राजभवन ले जाने के लिए पहले से ही एयरपोर्ट पर एक हेलीकॉप्टर खड़ा था। गृहमंत्री बनने के बाद अमित शाह पहली बार कश्मीर पहुंचे हैं। आमतौर पर जब भी गृहमंत्री कश्मीर पहुंचते हैं अलगाववादियों की तरफ से बंद बुलाया जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद गृहमंत्री के इस पहले दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये सुरक्षा इसलिए भी बढ़ाई गई है क्योंकि श्रीनगर में एक गाड़ी चोरी हो गई है। 2 दिन की अपनी कश्मीर यात्रा के लिए अमित शाह ने जो समय चुना है वो पहले तो 30 जून और 1 जुलाई यानी अमरनाथ यात्रा के साथ ही था, लेकिन हालात को देखते हुए इस विजिट को प्रीपोन किया गया और कल दोपहर में वो ओवरऑल कश्मीर में हालात की समीक्षा के लिए यूनिफाइड हेडक्वार्टर की पहली बैठक की अगुवाई भी करेंगे। लेकिन गृहमंत्री के इस विजिट को लेकर काफी ज्यादा चिंताएं भी बढ़ गई हैं क्योंकि कल श्रीनगर में एक गाड़ी चोरी हो गई, एक गाड़ी की चोरी होने की खबर है, जिसके बाद जो सुरक्षा है वो काफी कड़ी कर दी गई है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। यहां तक कि डल झील में भी आप देख सकते हैं कि कश्तियों के जरिए उस वेन्यू की निगरानी की जा रही है जहां पे गृहमंत्री के सभी कार्यक्रम रखे गए हैं। श्रीनगर से गाड़ी चोरी होना इसलिए चिंता की बात है क्योंकि पुलवामा वाला फिदायीन हमला भी विस्फोटकों से भरी गाड़ी से ही अंजाम दिया गया था। इसके बाद अमित शाह तुरंत सुरक्षा पर एक हाई लेवल मीटिंग लेने के लिए पहुंचे। जो अमित शाह का काफिला राजभवन से निकलकर ये एसकेआईसीसी सेंटर पहुंच चुका है। ये राजभवन की गाड़ी है जिसमें इस काली गाड़ी में इसी में अमित शाह मौजूद हैं और यहाँ पहुंचकर बैठक लेंगे। यहाँ पे सिक्योरिटी की और डेवलपमेंट इश्यूज की और तमाम अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर आज पहली बैठक है, ये इनकी पहली विजिट है कश्मीर में। वो अमरनाथ यात्रा जो 1 जुलाई से शुरू हो रही है, अमरनाथ यात्रा को बिना किसी व्यवधान के संपन्न कराया जाए, ये एक बहुत बड़ा काम है सरकार के सामने। राज्यपाल सत्यपाल मलिक और अमित शाह एक ही कार में थे, इसके बाद अंदर भी दोनों अगल बगल ही बैठे और सबसे पहले अधिकारियों का परिचय अमित शाह से करवाया गया। इस मीटिंग में राज्य के बड़े अधिकारी और सुरक्षा बलों के प्रमुख मौजूद थे। इनके अलावा गृह सचिव राजीव गौबा, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह और जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह भी इस मीटिंग में मौजूद थे।
मीटिंग में गृह मंत्री को राज्य के सुरक्षा के हालात बताए गए। सुरक्षा अधिकारियों ने यह भी बताया कि वो कश्मीर से आतंकवादियों के सरगनाओं के खात्मे के लिए क्या कर रहे हैं, और ये भी समझाया गया कि पुलवामा जैसे हमले दोबारा न हो इसके लिए क्या किया जा रहा है। इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा अमरनाथ यात्रा का था, जो 1 जुलाई से शुरू हो रही है। ऑनरेबल मिनिस्टर लेड एम्फेसिस ऑन वेरियस पॉइंट्स क्रिटिकल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द यात्रा। ही डायरेक्टेड ऑल सिक्योरिटी एजेंसीज टू बी फुली अलर्ट एंड टेक ऑल प्रिवेंटिव मेजर्स टू सिक्योर वायलेंस फ्री यात्रा। सरकार का एजेंडा ये है कि बिना किसी व्यवधान या आतंकवादी हमले के ये यात्रा संपन्न हो जाए। अमित शाह भी बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकते हैं। तो अमित शाह, आप ये तो जानते ही हैं, वो रणनीतिकार हैं जो हम मिशन मोड में काम करते हैं, एम अपना एक टारगेट सेट करते हैं और काम शुरू करते हैं। बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाना हो, या हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा राज्य जितवाना हो, या फिर लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें लाना हो, और कश्मीर दौरा ये बताता है कि बतौर गृहमंत्री वो मिशन मोड में ही काम करना चाहते हैं। कश्मीर में अमन बहाली के लिए अमित शाह बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन वो भी अपनी शर्तों पर। अगर कश्मीरियों का दिल अमित शाह ने जीत लिया तो ये लोकसभा की जीत से भी बड़ी होगी। मास्टर स्ट्रोक, शाह की नई पारी, अब कश्मीर की बारी।